जरूरी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग पैजामा पहनते जो टखने से नीचे लड़ रहा है, तो वो भी हो सकता है, लेकिन हर बार जरूरी नहीं वो ही है। ठीक है, कभी कभार लोग लिबास तो पहनते हैं, सादा बोलते हैं, लेकिन उसमें इतना तकब्बुर होता है उनके अंदर, उनकी सफेदी पर और लिबास के कड़क होने पर, कि वो लिबास भी अपने आप में फिर कहकर लिबास तख्ते वाला लिबास नहीं हुआ, क्योंकि उसमें किब्र तकब्बुर है, बड़ापन है, सबसे हटके मैं देखना चाहता हूँ। तो कोई लिबास को इस्लामी को गैर इस्लामी का आपको बोलने से पहले सबसे पहले ये देखना होगा कि वो लिबास के कंडीशन से फिट होता है क्या इस्लामी। तो इस्लाम ने लिबास के कंडीशंस दिए, वो कंडीशंस में अगर लिबास फिट हो जाए तो वो लिबास शरई लिबास माना जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ चीज़ें पहनी, लेकिन कैफियत और हैयत किसी को भी नहीं पता वो कैसी थी। आपने यमनी चादर ओढ़ी, कैसी थी? कैफियत हैयत नहीं मालूम, रंग के बारे में तफसीलात आती है। आपने